हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन क्लास में, जहां हम सीखते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग एंड MS एक्सेल डेटाबेस। तो हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग की हमारी डे 3 क्लास है, जहां पे हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और भी, क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लासेज है, ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, इसमें कुछ स्टूडेंट जुड़ेंगे मेरे साथ जूम पे और मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और साथ में ऊपर देखे नंबर दिया होगा मेरा, मोबाइल नंबर को सेव कर लीजिए, कभी किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके लिए अपना फोन हमेशा ऑन रखेंगे। थैंक यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माइक्रोज रिकॉर्ड माइक्रो के ऊपर, और रिकॉर्ड माइक्रो कैसे चेंज करेंगे, एडिट करेंगे, इसके बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है, आप लोग रिकॉर्ड करना शुरू कर लें। तो VBA की फंडामेंटल क्लास के तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो के बारे में। एंड रिकॉर्ड माइक्रो शुरू करने से पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए इसके बारे में, तो मैं अपनी स्क्रीन दे रहा हूँ, चलिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो स्टार्ट करने से पहले क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ जी आपकी करना क्या है, क्या स्टेप्स है, क्या कंडीशन है, ये सब की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए आपके दिमाग में या फिर आपके नोट पैड। उसके बाद जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि डेवलपर डायर होना चाहिए, उसके बाद माइक्रो सिक्योरिटी को एनेबल करना चाहिए, और जिस फाइल में आप करने जा रहे हैं वो फाइल सेव होना चाहिए माइक्रो एनेबल वर्कबुक, मतलब कि .xlsma। इतना सब कुछ होने के बाद ही VBA प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो VBA प्रोग्रामिंग में एक टॉपिक आता है यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो का। तो जैसे कि हमने बताया था लास्ट क्लास में कि रिकॉर्ड माइक्रो का यूज होता है कि आप एक माइक्रो को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ले और आप जो स्टेप फॉलो करेंगे उस स्टेप का वो रिकॉर्ड करेगा। तो चलिए इसी को हम आगे डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मुझे एक छोटा सा कुछ ये बनाना है, टेबल बनाना है, तो हम यहाँ रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। तो रिकॉर्ड माइक्रो क्या करेगा, हमारा मेरे बिहाफ पे प्रोग्रामिंग कर देगा। जैसे मैंने लिखा रोल और यहाँ पे हमने मार्क्स दिए, अब मैं यहाँ स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप हो गया, स्टॉप मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, स्टार्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं माइक्रो लिस्ट में देखूंगा तो माइक्रो वन नाम का आ गया। अब इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी प्रोग्रामिंग दिख जाएगी, दिख गई प्रोग्रामिंग। अब जैसे कि मैं पिछले प्रीवियस क्लास में बताया था कि इसकी अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग माइक्रो ही सारी कोडिंग कर दे रहा है तो फिर क्या जरूरत है हमें अपनी प्रोग्रामिंग सीखने की, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत क्या है। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो जो है एक लिमिटेशन के साथ काम करता है, मतलब कि वो आपकी जो ये है रिपीटेशन है, डायनेमिक है, लूपिंग है, कंडीशन है, कनेक्टिविटी है, ऐसे टॉपिक को कवर नहीं करता है। अगर ऐसे टॉपिक को कवर करवाना है तो आपको यूज करना होगा अपनी खुद की प्रोग्रामिंग, खुद से लिखना होगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, तो फिर रिकॉर्डिंग माइक्रो का यूज क्या है, हम उसको मुझे जब खुद की प्रोग्रामिंग करने की मैं सलाह आपको दे रहा हूँ तो फिर इसका बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट है, अब दो तरह की बेनिफिट है। पहला है लर्निंग पीरियड के लिए। जैसे आप लर्नर है तो आपको मान लीजिए कि कॉपी करने का कोड याद नहीं, कि कॉपी करने का कोड क्या है, आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और फिर इस पे पेस्ट कर देंगे। तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर माइक्रो स्टॉप करके फिर वापस आप अपने माइक्रो एडिट में ले जाए और यहाँ आप अपनी कोडिंग देखे कि सिलेक्ट करना है सिलेक्शन डॉट कॉपी और एक्सिस डॉट पेस्ट, एक कोड हो गया। तो आपको हेल्प मिल गया ना,
इसको एक तरह से डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग इंग्लिश सीखते समय या किसी और लैंग्वेज सीखते समय हम लोग डिक्शनरी यूज करते हैं, तो उसे एक डिक्शनरी की तरह हम यूज कर सकते हैं। मजा आया सर? अनिल जी और बाकी लोग सुधाओं इसमें जी सर। तो एज ए डिक्शनरी इसका इस्तेमाल किया जा नो सकता सर। ओके, अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि तो ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने सीख लिया, मैंने प्रोग्रामिंग सीख लिया, तब तो इसका यूज नहीं है। प्रोग्रामिंग सीखने के बाद भी इसका यूज होता है, तो इसको हम समझाएंगे आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। एक छोटा सा डेटा मैं लेता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं। टेस्ट वैल्यू और इस डेटा में मैं मंथ ऐड कर देता हूं। सिंपल। अब मेरा काम क्या है कि मुझे फोन आता है कि मुझे जनवरी मंथ का डेटा दे दो, तो मुझे जनवरी मंथ का डेटा भेजना होता है। तो जनता फोन करता है कि मुझे फरवरी का डेटा दे दो, तो मुझे फरवरी का डेटा भेजना पड़ता है। मतलब कि मैं किसी को पूरा का पूरा डेटा मेल नहीं कर सकता, जितना जरूरत होगा उतना ही डेटा हम मेल करें। तो हमसे डिमांड होता है कि मुझे इसका डेटा चाहिए, तो मैं उसको उसका डेटा भेज देता हूँ। तो कैसे भेजता हूँ? तो मुझे इसको फिल्टर करना पड़ता है, फिर कॉपी करके नया फाइल से पेस्ट करके फिर उसको सेव करके मेल करना होता है। तो मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मैं रन करूँ, मुझसे मंथ पूछे, मैं मंथ टाइप मंथ एंट्री करूँ और मुझे उस मंथ का एक नया फाइल मेरे लोकेशन में कॉपी पेस्ट कर, और उसी मंथ का डेटा में सिर्फ पूरा डेटा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? जी सर। प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, अगर प्रॉब्लम समझते हैं तो इसका सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। वो कहावत है ना, आवश्यकता या अविष्कार की जरूरी है, तो पहले आपको आवश्यकता क्रिएट करनी पड़ेगी, तब अविष्कार तो अपने आप हो ही जाएगा। ओके चलिए, तो इसमें हम रिकॉर्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मुझे प्रोग्रामिंग आता है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। एक मिनट लीजिएगा, सॉरी सर म्यूट कर दिया था। तो मैं यहां पे मंथ डालू और आ जाए, तो इसके लिए हम यहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। रिकॉर्डिंग करते समय आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका माइक्रो का जो रनिंग है, मतलब कि कोई शॉर्टकट तो क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने सर कंट्रोल क्यू शॉर्टकट बना लिया। ओके, एंड हम यहां पे ओके करते हैं। अब मेरा माइक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब एक ध्यान रखिएगा, माइक्रो रिकॉर्ड करते समय, जब भी आप माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करते समय इसका ध्यान रखिएगा कि एक्स्ट्रा वर्क एक्टिविटीज नहीं करना है। जैसे किसी फाइल, किसी अनदर फाइल पे चला जाना, बार बार डबल क्लिक करना, इंस्टॉल करना, कहीं और क्लिक कर देना, दूसरी फाइल पे चले जाना, दूसरे सीट पे चले जाना, नहीं। जो क्योंकि जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी फॉलो होगा, और जब माइक्रो रन करेंगे तो वो एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे कि आपने किसी और फाइल पे आपने क्या क्या एक्टिविटी मूव कर गया, तो नेक्स्ट टाइम वो फाइल ओपन होना चाहिए, तभी तो मूव होने का कोई वर्क करेगा। इसलिए जितना जरूरत है उतना ही यूज करिए। इसलिए मैंने पहले बोला था कि जो काम है उसके एक स्टेप आपके दिमाग में या फिर कहीं से नोट होना चाहिए। तो यहां हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर में हम जनवरी को सिलेक्ट करते हैं, जनवरी का डेटा चाहिए ना मुझे, एंड ओके किया। अब देखिए, जब भी आप रिकॉर्डिंग में सिलेक्शन करें तो माउस से सिलेक्शन मत करें, क्योंकि माउस से एक एरिया फिक्स हो जाता है, कभी कभी डेटा बढ़ सकता है घट सकता है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो करें, और तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा।
अब मैं कॉपी करने से पहले कंट्रोल जी में स्पेशल में जाऊंगा और यहां हम करेंट यहां पे विजुअल सेल्स ओनली को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो फिल्टर की जो पीछे का डेटा है वो कॉपी ना हो, सिर्फ जो फ्रंट का डेटा है वही कॉपी होना चाहिए। अल्सो हमने कॉपी किया एक नई सीट, मेरे पास ऑलरेडी दो ब्लैंक सीट है, फिर भी हम यहां पे एक नई सीट लेंगे क्योंकि ब्लैंक सीट अभी है, बाद में क्या पता। तो हमें एक नई सीट यहां पे क्रिएट करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे। तो हमने यहां पे क्रिएट किया और यहां से इसको वैल्यू बेस्ड कर दिया, फिर सीट का नाम हमने यहां पर जैन दिया। बात यहां पर है कि मुझे तो सीट जैन नहीं चाहिए ना, मुझे हमें तो एक फाइल चाहिए ना, सीट नहीं चाहिए। इसी सीट को हम मूव कर देंगे और यहां ब्लैंक वर्कबुक एंड ओके एक नई फाइल में मूव हो जाएगी। अब इस फाइल का सेव कर देता हूं एक लोकेशन में, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर देता हूं जैन के नाम से एंड से, और फिर इस फाइल को हम यहां से क्लोज कर देंगे। फिर डेटा शीट आ जाएंगे, फिर फिल्टर को अनफिल्टर करेंगे और फिर स्टॉप कर देना। अब ऐसा नहीं कि आपका प्रोग्रामिंग हो गया आप यूज कर लेंगे, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग माइक्रो डायनेमिक नहीं होता है, हमें इसको डायनेमिक करना होगा, तो कुछ चीजें डिलीट करनी होगी। उसे दो दो बार फिल्टर लगा है, इसको डिलीट कीजिए। अब यहाँ देखिए A1 से 504 है, हमने डेटा सिलेक्ट तो नहीं किया था, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया था, मतलब कि हम फिल्टर लगाते समय हम एक सेल पे रखते फिल्टर लगा सकते। तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ A1 का रेंज देता हूँ, बाकी रेंज हटा देता हूँ, सही है। अब देखिए यहाँ पे डाउन किया था ना, इसलिए यहाँ पे स्कॉल डाउन आ गया, इसको डिलीट करता हूँ। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको कोड पढ़ने से पता चल जाएगा कि क्या चीज के लिए यूज किया गया है। कॉपी कर दिया, पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल में हमने यहाँ पे पेस्ट वैल्यू किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने इसको सीट फोर को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे गलत है, क्यों? क्योंकि हर बार सीट फोर तो नहीं होगा क्या? यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिव सीट दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे हम एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू जैन कर दिया। अब जैन भी नहीं होना चाहिए, इसको हमें हटा देता हूं। और यहां पे भी एक्टिव सीट डॉट मूव, जो कि जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है ना। अब आपका परफेक्ट है, अब आपका रन होगा तो रन होते ही आपका काम करेगा, लेकिन सिर्फ जैन के लिए। अगर शायद मार्च अप्रैल करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो मुझे इसके लिए यहां एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा कि डिम एंड नेम एज ए, डिम एंड एज ए स्ट्रिंग, और फिर एन इक्वल टू हमने एक छोटा सा कोड ऐड किया इनपुट बॉक्स एंटर मंथ, और जहां जहां मुझे मंथ की जरूरत है वहां वहां एन ले लेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में कैसे हम एक्स वाई जेड लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड कर लेते हैं, वेरिएबल्स होता है, टेम्पोरली स्विंग लोकेशन समझ सकते हैं। तो सेम चीज यहां भी है, तो इनपुट बॉक्स से एक पॉपअप देगा जिसमें हम अपना नाम टाइप कर पाएंगे और जो नाम टाइप करेंगे वो एन पे चला जाएगा, और यहाँ मूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम करना पड़ेगा क्योंकि n हमारा वेरिएबल है ना, इसलिए इसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा जैसे एक्सेल में करते हैं ना इस तरह से। अब मेरा माइक्रो पूरी तरह से बन गया है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं रन यहां से भी कर सकता हूँ और हमने इसका शॉर्टकट बनाया था कंट्रोल क्यू, उससे भी इसको रन कर सकते हैं। यहाँ पे मंथ हमने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया जुलाई और ओके,
अब जो है यहाँ आते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, रिफ्रेश करता हूँ, जुलाई आ गया और इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर हमें जुलाई का ही डेटा मिलेगा। ठीक है, ओपन हो रहा है सर, ओपन नहीं हुआ। तो निकिता जी रिकॉर्डिंग में आपको समझ में आया? अनिल जी, तो कहने का मतलब ये आफ्टर आप अगर परफेक्ट बन जाएंगे फिर भी आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग मैच यूज कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं क्योंकि इतने सारे कोड आपको लिखने ना पड़े, आप कुछ कोड कुछ ही कोड को चेंज करें और आपका काम हो जाए। देखिए जुलाई का डेटा आया, अब यहाँ एक बार देखें कोड को, अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक लाइन से टाइप किया है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइप किया है और एक दो लाइन यहाँ पे थोड़ा सा टाइप किया, तो दो तीन जगह पे हमने थोड़ा चेंजिंग किए, दो तीन कोड को हमने डिलीट कर दिया, तो हमें इतना बार कोड लिखना पड़े बड़ा सर क्या सर? तो जैसा ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पेस्ट से कोड मुझे याद ना हो या आपको याद ना हो, तो ये आपका हेल्प कर देगा। देखिए हर जगह पर रिकॉर्डिंग मैच को नहीं कर सकते, जहां कनेक्टिविटी आता है, लूपिंग आता है, कंडीशन आते हैं, डेड स्टेटिंग आता है, वहां पे नहीं होता है, वहां पे मैनुअल ही करना पड़ेगा। समझ गए निकिता जी, समझना है आपको? हाँ जी सर। युसुफ जी कोई डाउट आपको? सर इसमें एक सवाल था, ये था कि अगर हमने एक नई फाइल क्रिएट कर दी ना, अगर इसी में देते और इसको इसी फाइल में रखते हुए इससे जुलाई मांग लेते हैं, अगस्त मांग लेंगे, तो हमने माना ही है इस कोड में, ऐसा ही माना ही हमने यहाँ पे, लेकिन नहीं वो आप अलग अलग फाइल क्रिएट करेगा ना, तो हमने हाँ तो हमने अलग फाइल क्रिएट करने का कोड डाला है ना, यहाँ पर तो आपको सेम फाइल में रख रहा है ना। अच्छा अच्छा ये ठीक है ठीक है ठीक है ना, यहाँ मूव पे हमने जी जी ठीक है ठीक है। वो तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो डिपेंड करता है आपका एल्गोरिथम और आपके लाइन ऑफ कोड के ऊपर ना, जैसा चाहिए वैसा कोड आप डिक्लेयर कर सकते हैं ना, वो क्रिएट बैकअप कर रहा है ना इसका, है ना। हाँ तो मैं यहाँ पे बस ये समझा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग माइक्रो भी बेनिफिट है, क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग माइक्रो को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन लर्नर्स के लिए बहुत अच्छा चीज है और हम जैसे कम काम करने वालों के लिए भी ठीक है सर। ओके हमें इतना मेहनत ना करना पड़े, मैं तो मानना है जब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में काम करेगा, हम क्यों काम करें क्या सर? इससे सर टाइम भी सेव हो सकता है, बहुत अच्छी हो सकती है। हाँ अब इसमें एक चीज और आता है कि मैक्रो रिकॉर्ड रन करने की कैसे रन करेंगे, तो हमने दो एक बताया कि मैक्रो से रन कर सकते हैं या शॉर्टकट, हमने बताया कि हम ऑप्शन में जाके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है कि आप यहाँ इवेंट में देखिए, यहाँ पे कंट्रोल्स में आप देखेंगे तो आपके सामने फॉर्म कंट्रोल दिखेगा, तो जो बटन है दो बटन है यहाँ पे, एक्टिव स्टोर एंड फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल जैसे ड्रैग करेंगे आपसे आपको बोलेगा असाइन मैक्रो, आप मैक्रो को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपका मैक्रो असाइन है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं जो पूरी की कोडिंग हमने मॉड्यूल्स में की है वो किसी बटन पे कर दो, समझ गए? तो उसके लिए आपको फिर यहां एक्सेस कंट्रोल लेना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हम जो है डबल क्लिक करके जो कोडिंग करना कर सकते हैं, या मैक्रो कॉल करना है तो मैसेज कॉल से यहाँ पे मैक्रो टू कर सकते, मैक्रो टू होगा मैक्रो। ठीक है, यहाँ पे मैक्रो टू है ना, हाँ हमने जस्ट नाम लिख दिया, अब रन क्लिक करते पे रन हो जाएगा, बस डिजाइन मोड को डीएक्टिवेट करना होगा। या फिर आप चाहते नहीं मुझे स्टाइलिश चाहिए, जैसे कोई पिक्सल हो गया या मैं टैप खुद की टैप डिजाइन करूँ स्टाइलिश, तो टैप में जाइए और इसको सिलेक्ट कीजिए, अब इससे जो लिखना है लिख दीजिए और उसके बाद राइट क्लिक करके
असाइन मैक्रो, मैक्रो असाइन कर दीजिए, यहाँ से मैक्रो को रन कर। सर मैं यही कह रहा था, वो असाइन मैक्रो करके ना यहीं पर से वो कर सकते हैं ना, यहाँ से फिर हम यहाँ पे जो भी इनपुट करेंगे वो आ जाएगा ना। अब इसमें बारी आती है इसको एक्सप्लोर करने, तो आप लोग क्या करें, एक नोट डायरी ले मोटी से, ठीक है, और उसके बाद आप फाइल मेनू बार से लेकर डेवलपर मेनू बार में जितने भी ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस को रन करें रिकॉर्ड मैक्रो के अंदर, और फिर उसकी कोडिंग को लिखे और समझे। जो कोडिंग आपको समझ में नहीं आएगी वो हमसे क्लास में पूछे जाए, तो एक दिन तो होगा नहीं, लेकिन एक दिन आप एक घंटा टाइम दे दीजिए इसके लिए, एक घंटा मेरी क्लास की प्रैक्टिस और एक घंटा इसके लिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस सारे को सारे की कोड में सिखाने बैठ जाऊं तो फिर एक आध साल चलेगा सर, समझ गया ना। इसमें सर तो हर एक की करना होगा सर, सबका एक एक जितने भी इसके अंदर है। हाँ भी बन जाए इसके अंदर। हाँ तो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम नहीं लगेगा। जैसे सिलेक्शन डॉट कॉपी, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, पेस्ट करने का कोड एक्टिव सीट पेस्ट, एक्टिव सीट मतलब क्या हुआ, जो चीज एक्टिवेट है, पेस्ट मतलब पेस्ट, सिलेक्शन डॉट बॉर्डर डॉट लाइन स्टाइल, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट इटैलिक इक्वल टू ट्रू, सिलेक्शन डॉट मर्ज इक्वल टू ट्रू, सिलेक्शन डॉट अनमर्ज। अलग अलग मैक्रो बनाना पड़ेगा ना हर एक का, एक तो नहीं कर सकते। हाँ अलग अलग मैक्रो बनाए, एक साथ मैक्रो बना ले, आपको तो कोड देखना है ना। सही, तो एक साथ बनाएंगे तो क्या हुआ, कंफ्यूजन होगी किस किस प्रोग्राम किस एक्शन का क्या कोड है। सही है, सिंगल सिंगल बनाएंगे तो आपको पता होगा जैसा मैंने एक काम किया तब मेरा एक कोड। तो लर्नर के लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स है सीखने के लिए, ठीक है ना। फिर जब मैं वीवी कंसेप्ट बताऊंगा तो फिर सारे कोड को एक जगह पे आप बल्ड मैंने कंबाइन करके एक मैक्रो बना देंगे, एक परफॉर्मर बना देंगे। ओके ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों का जो होमवर्क दिया है मैंने उस पर कीजिए, रिकॉर्डिंग मैक्रो पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि रिकॉर्डिंग मैक्रो समझ में आ जाए। रिकॉर्डिंग मैक्रो से क्या हुआ कि आपका मोस्टली एक्सेल की जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे आपको इम्प्लीमेंट तो एक्सेल का ही करना है पार्ट ना। मान लीजिए आपको पिवट आपको रिपोर्ट बनानी है, उसके लिए पिवट यूज करना है, तो पिवट तो एक्सेल का ही ठीक होगा ना। तो पहले तो आपको एक्सेल का पिवट अच्छी तरीके से आना चाहिए, फिर पिवट का जो कोड होगा वो आपको सीखना होगा। तो रिकॉर्डिंग आपको 50% बता देगा, जहां प्रॉब्लम होगी वो 50% मैं बता दूंगा। ओके, और बाकी जो वीबीए का कंसेप्ट है वो चलता रहेगा, आपका जो वीबीए कंसेप्ट है वो चलता रहेगा, साइड दोनों काम होता जाएगा साथ में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की डाउट हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं YouTube पे डाल दूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको इसलिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। दूसरी चीज, कोई प्रैक्टिस सेशन से प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं सारी रात आपके लिए अपना फोन बिल्कुल इस तरह से ऑन करके रखूंगा। ओके बाय, गुड नाइट, बाय।